अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और अगर आपने एक बार भी 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है तो अब इस चीज़ की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अब न्यू नॉर्मल होने वाला है। क्योंकि आगे चलकर भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस, जिसमें कि सेस और वैट आता है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस बार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी उसमें पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गई। और अब इंटरनेशनल मार्केट से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक आगे चलकर ये कीमतें अब कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ती ही जाएंगी। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर आगे चलकर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी क्यों नहीं आएगी, उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं मिलेगी। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी कीमत $65 प्रति बैरल के पार जा चुकी है, और जिसकी वजह से भारत की जो परचेसिंग कॉस्ट यानी कि जिस कीमत पर भारत कच्चा तेल खरीदता है उसकी कीमत 63.90 प्रति बैरल प्रति डॉलर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आगे चलकर भी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि भारत महंगा तेल खरीदेगा तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि देश में भी तेल महंगा ही बिकेगा। वहीं अमेरिका की 3 बड़ी बैंकों की अगर माने, जिनमें कि गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका शामिल है, तो उनके हिसाब से उनका ये अनुमान है कि आगे चलकर कच्चे तेल की जो कीमत है वो 75 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय तेल कंपनियां जो कि तेल खरीदती है, कच्चा तेल बाहर से खरीदती हैं, वो भी इन कीमतों में इजाफा करेगी और इसी वजह से पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपये के पार ही रहेगी, 100 रुपये से कम नहीं होगी। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जो भारतीय कंपनियां कच्चा तेल बाहर से खरीदती हैं वो $2-3 कम में खरीदती है, जिसकी वजह से अगर आगे चलकर $70 का भी कच्चा तेल होता है तो भी भारतीय कंपनियां इस तेल को $68 में खरीदेंगी, और अगर कच्चे तेल की कीमत में $1 का भी अगर इजाफा होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में सीधे सीधे 55 से 60 पैसे का इजाफा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकन बैंक गोल्डमैन के हिसाब से अगर आगे चलकर ओपेक प्लस देश अपने देशों का उत्पादन भी बढ़ाते हैं तो भी कच्चे तेल की कीमतों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि उत्पादन के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई उस सूरत में भी कम ही रहेगी। देखिए, केंद्र सरकार तो पहले से ही एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से इनकार कर चुकी है, ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस को कम नहीं करती है तो आगे चलकर उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी, और इसीलिए खासतौर पर मध्य प्रदेश में जहां पर टैक्स सबसे ज़्यादा है पेट्रोल और डीजल पर, चाहे वो सेस हो चाहे वो वैट हो, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को 100 रुपये में पेट्रोल भरवाने की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी और भी खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।